व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितनी शानदार पर्सनैलिटी है। नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके बारे में जितनी बात की जाए इतने ही कम है। जब इनको बोला गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट बनना है, तो उस टाइम पर इनको सबसे पहले बात इन्होंने क्या बोली कि आप लोगों ने मुझे ये दायित्व देकर मुझे मेरे रिलीजन, मेरी कास्ट, मेरी पार्टी सबसे अलग कर दिया है। आज की डेट में मैं किसी ना तो एक पर्टिकुलर रिलीजन का हूँ, ना किसी कास्ट हूँ, ना किसी पार्टी का। मैं आज की डेट में पूरी कंट्री का सिटीजन हूँ और आज के डेट में मैं पूरी कंट्री का प्रेसिडेंट हूँ। तो इस तरीके की इन्होंने बातें बोली। तो ये हमेशा इन सब चीजों से, जिन चीजों में आज के डेट में हम लड़ते भिड़ते रहते हैं, उन सब चीजों से उठकर ऊपर सोचते थे ये हमेशा। तो इस तरीके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और कहने के लिए तो ये बिहार से बिलोंग करते थे, पर लेकिन नॉर्मली आप लोग इनको देखेंगे कि कभी भी इन्होंने ओनली बिहार के लिए नहीं, पूरी कंट्री के बारे में हमेशा सोचा इन्होंने। इस तरीके से इन्होंने अपना रोल प्ले किया है। और महात्मा गांधी जी के साथ बढ़ चढ़कर इन्होंने, चाहे बात कर लीजिए आप लोग सोल्ट सत्याग्रह की 1931 में, चाहे बात कर लीजिए आप लोग क्विट इंडिया मूवमेंट की 1942 में, हर टाइम ही आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी न किसी रोल में अपना इन्होंने अपनी ड्यूटी प्ले की है। हर टाइम ये जो इंडिया का इंडिपेंडेंट मूवमेंट था उसमें इन्होंने अपनी ड्यूटी प्ले की है, वो भी एक बहुत ही ऑनेस्ट सिटीजन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरीके से थोड़ा आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। ये प्रेसिडेंट रहे दो टर्म के लिए। 26 जनवरी 1950 को इन्होंने ऑफिस में पहुंचे थे और उसके बाद में ये कंटिन्यूअसली दो टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहे और ये 1962 तक प्रेसिडेंट रहे, ठीक है ना। तो आप लोग याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट और ये सारी बातें हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ाई होगा वैसे, तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये एक बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्या था वो 1934-35 में प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ओके। तो थोड़ा सा ये चीज आप लोग याद रखते हैं, अगर कोई एग्जाम में पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आज है 6 मार्च, देख लेते हैं। नैनो मैगजीन के तहत हम लोग पीआईबी देखेंगे, योजना देखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज देखेंगे, कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर देखेंगे। काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में देखते हैं पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, इसमें हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। और हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट तो रही गया आप लोगों के लिए, ये है, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग ढंग से देखेंगे। यहाँ पर 50% जो इनकी सैलरी थी ये हमेशा उसको डोनेट कर दिया करते थे, ठीक है। ये कभी अपनी बोला करते थे मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, जितने पैसों की मुझे जरूरत है उसमें मेरा काम चल जा रहा है, बाकी की सैलरी हमेशा डोनेट कर दिया करते थे। तो ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करके जा रहे हैं, हमेशा दूसरों के लिए सोचना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप भी कम से कम कुछ कीजिए दूसरों के लिए, पढ़िए या फिर पढ़ाइए, जो भी करना है थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेट सोसाइटी में जरूर दीजिए। आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है यहां पर, ये आप लोग याद रखिएगा, ये है लामते। ये एक फ्रेंडशिप एक्सरसाइज है दो कंट्री के बीच में, दो कंट्री की आर्मी के बीच में। आप लोगों से डायरेक्ट इसका मीनिंग पूछा जा सकता है कि लामते का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है फ्रेंडशिप, ठीक है। लामिते तो 2018 की एक्सरसाइज के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफेंस फोर्सेस किस किस कंट्री की है, एक हो गया इंडिया और दूसरा हो गया ये कंट्री, जरूर कंट्री नहीं, एक आइलैंड है ये। ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये सेशल आइलैंड, ये आप लोग देखने को मिलेगा इंडियन ओशन में पड़ता है, ये इंडियन ओशन हो गया यहाँ पर। और मेडागास्कर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, मेडागास्कर के थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ये सेशल आइलैंड नजर आएगा, पता होना चाहिए इंडियन ओशन में है। तंजानिया आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कीनिया नजर आता है। अगर थोड़ा सा आप लोगों को और थोड़ा सा आप लोगों को जूम आउट करके दिखाऊं, तो यहाँ पर कहीं पे ये कंट्री आप लोगों को, ये आइलैंड यहाँ पर कहीं पर पड़ता हुआ ये नजर आएगा, ये वाले एरिया की बात की जा रही है, ठीक है। ये इंडिया हो गया हमारा प्यारा इंडिया, यहाँ से आप लोग इसको थोड़ा मैप देख सकते हैं मैप में कि कहाँ पर ये पड़ रहा है, अगर लोकेशन वाइज आप लोग थोड़ा माइंड में सेट करना चाहे तो। तो ये एक्सरसाइज के बारे में जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर इंडियन आर्मी और सेशल्स जो पीपल्स डिफेंस फोर्स, इनके यहाँ पर आर्मी का नाम है ये, इनके दोनों के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 8th यहाँ पर जो सीरीज है ये बायलेटरल एक्सरसाइज की यहाँ पर हुई है और ये आइलैंड पे ही हुई है जो सेशल्स आइलैंड की बात की जा रही है। लिमिटे का मतलब होता है यहाँ पर फ्रेंडशिप और ये स्टार्ट की गई थी 2001 से, ओके। एम क्या है, मिलिट्री कोऑपरेशन करना या इंटरपोर्टेबिलिटी बनाना, एक दूसरे के बीच में मिलकर काम करना और कितना ज्यादा गैप है उसको कम करना दोनों आर्मी के बीच में। कंडक्ट की जाती है ये एक्सरसाइज कम से कम यहाँ पर काउंटर जो इंसर्जेंसी होती है, इस तरीके से कोई भी उल्टी सीधी एक्टिविटी होती है इंडोनेशिया में उन सबको रोकना है, फिर कोई भी टेररिस्ट कोई ऑपरेशन होता है उसको एक तरीके से निस्तनाबूद करना। तो इन सब चीजों में जितना भी इंडोनेशिया में आप लोग मोटा मोटा बात से बोल सकते हैं, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो उसके लिए एक्सरसाइज है। तो थोड़ा आप लोग यहाँ पर मैप भी निहार सकते हैं, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है एक्सरसाइज में। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया साइज के बारे में। तो इंडिया साइज एक्चुअल में ये है क्या,
देखिए नॉर्मली आप लोग कपड़े लेने जाते हैं, अलग अलग तरीके के आप लोग कपड़े पहनते हैं, तो उनका साइज अलग अलग होता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी इंसान, किसी भी साइज का इंसान, कुछ भी कपड़ा चाहे तो उसको कपड़ा मिल जाए। कुछ ऐसा ही सिस्टम जनरेट किया गया कई सारी कंट्री के द्वारा। अगर आज की डेट में देखा जाए तो यहाँ पर हमारे द्वारा भी ऐसा कुछ नेशनल साइज सर्वे के रूप में यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत एक रेडीमेड इंडस्ट्री, जो गारमेंट इंडस्ट्री होती है, जो कपड़ा उद्योग होता है, वहां पर कोई भी इंसान कुछ भी कपड़ा पहने, कोई भी जाकर किसी भी तरीके उसकी बॉडी का मेजरमेंट यहाँ पर 3D टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर लिया जाएगा, ताकि हर एक इंसान का यहाँ पर एक सेप वहां पर अवेलेबल हो और उस तरीके से हर एक तरीके का लेवल का कपड़ा वहां पर बनाया जा सके। ये एक साइंटिफिक एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। 15 से 65 साल के जो हमारी कंट्री के सिटीजन है, उनका मेजरमेंट यहाँ पर लिया जाएगा, उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और उस डेटाबेस के हिसाब से एक स्टैंडर्ड चार्ट तैयार किया जाएगा कि हमारी पॉपुलेशन का ये चार्ट है। और उसके लिए यहाँ पर जो अपैरल इंडस्ट्री है, जो कपड़ा उद्योग है, आप लोगों को देखने को मिला, जो गारमेंट उद्योग है, कम से कम उस तरीके का हर एक इंसान का कोई ना कोई साइज यहाँ पर अवेलेबल होगा। यूज किया जाएगा 3D टेक्नोलॉजी, यहाँ पर याद रखते हैं 3D स्कैनर आप लोग देख सकते हैं, पूरी बॉडी को यहाँ पर स्कैन किया जाएगा और उसके बेस पर कपड़े का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूटिलाइज किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। एक्सरसाइज किसके द्वारा की जा रही है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT न्यू दिल्ली में है, अंडर किसके, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 3D टेक्नोलॉजी याद रखिएगा और यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है और कौन सा इंस्टीट्यूशन है यह भी याद रखिएगा। अब तक जो है ये इस तरीके का डेटाबेस तैयार किया जा चुका है 14 कंट्री में। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुछ कंट्री के उदाहरण भी है, USA, कनाडा, मेक्सिको, UK, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, कोरिया, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। चाइना भी कंप्लीट कर चुका है, इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कई एज भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, एज क्या है यहां पर, तो 15 से 65 के बीच में, ठीक है। तो 3-4 चीजें पूछी जा सकती है, क्या एज के बीच में है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी मिनिस्ट्री है और कुछ कंट्री के नाम भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिले आपके माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। दो स्कीम्स हैं, इनके बारे में आप लोग कई एग्जाम के, कई जो बैंक के एग्जाम देते हैं उनमें कई बार पूछा जा रहा है, ये थोड़ा याद रखिएगा। पहली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा, ठीक है ना। तो एक तरीका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है ये, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग साल में 12 रुपए पर एनम देते हैं, हर साल 12 रुपए पे करते हैं, तो इंश्योरेंस आप लोगों को 2 लाख का मिल जाएगा अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फैक्ट। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। यह है सुरक्षा और यह है जीवन ज्योति, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो जीवन ज्योति बीमा योजना और यहां पर सुरक्षा योजना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर आप लोगों को 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा अगर आप लोग 330 रुपए पर एनम यहां पर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये देखने को मिलेगी, दोनों में डिफरेंस थोड़ा नजर रखिएगा। यहां पर एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहां पर जो यहां पर ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वर्थ 2 लाख की मिलेगी, 12 रुपए अगर हर साल पे करते हैं, मतलब 1 महीने में 1 रुपया पे करना है आप लोगों को। तो ये है कि कब तक, 18 से 70 साल के बीच की में अगर ये होता है तो। नेक्स्ट ये जो इधर बात की जा रही है, ये है यहाँ पर 330 रुपए पर एनम के हिसाब से आप लोगों को देना है, 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। यहाँ पर एज कितनी है, ये 18 से 50, ठीक है, 18 से 70 18 से 50। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोनों से रिलेटेड, अब तक काफी सेटलमेंट किया जा चुका है, बहुत सारी फैमिली यहाँ पर इंजॉय कर चुकी है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर दोनों स्कीम्स में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जरूर आप लोग याद रख सकते हैं। तो तीनों फैक्ट यहाँ पर ये याद रख सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के बारे में 2017 की। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता है कि क्या किस चीज से रिलेटेड है, तो ये जीरो एमिशन इफिशियंट यहाँ पर इफिशियंट रिजिलेंस बिल्डिंग इस तरीके से करनी है हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, ताकि हम लोग यहाँ पर आज की डेट में जितना एमिशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जितना छोड़ रहे हैं, अपनी कंट्री का टेम्परेचर जितना बढ़ा रहे हैं, इस पृथ्वी का टेम्परेचर जितना बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है और उसके बारे में यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा ये ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पर प्रेजेंट की जाती है कि किस तरीके से हम जीरो एमिशन की तरफ को बढ़ सकते हैं। लिस्टेड किया गया यहाँ पर एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर EMC, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर केरला गवर्नमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिसेंट अचीवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, किस तरीके से कई तरीके एरिया में यहाँ पर वर्क किया गया है, कि यहाँ पर क्या करना है, कि देखिए अलग अलग एरिया में हम लोग अलग अलग तरीके से वर्क कर सकते हैं। जिस तरीके से यहां पर बात की जा रही है, CFL हम लोग चेंज कर सकते हैं, किससे, जो LED लाइट होती है, तो हीटिंग कम होगी। कूलिंग सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई सारे घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह ये यूज की जाती है, तो उसको भी हम थोड़ा इन्वायरमेंट के बेस पर अगर रखकर चलेंगे तो चीजें सही रहेंगी। सोलर पैनल अगर यूज करेंगे तो काफी फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। और कुछ एरिया जैसे होते हैं आप लोगों को देखने को मिला है, जैसे अलग अलग एरिया आप लोग देख सकते हैं अगर सिस्टम देखा जाए तो,
जैसे बात की जा रही है सोलर रिफ्लेक्शन इंडक्शन कोटिंग के बारे में, एलबीडो के बारे में बात की जा रही है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा रिफ्लेक्शन कितना होता है, जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा है कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां से काफी अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आप लोग बर्फ ले सकते हैं, जो व्हाइट होता है उससे रिफ्लेक्शन अच्छा खासा देखने को मिलता है, इसलिए बोला जाता है गर्मियों में व्हाइट कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि व्हाइट कपड़ा आप लोगों को देखने को मिलता है, रिफ्लेक्ट कर देता है जितनी भी ज्यादा आप लोगों को सूरज की किरणें आती है, बहुत कम एब्जॉर्व करता है। और जो ब्लैक करता है, जितना भी गाढ़ा कलर आप लोग गर्मियों में पहनेंगे तो जितना ब्लैक वगैरह या फिर कोई दूसरा कलर होगा जो टाइट कलर है वो चीजों को एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से आप लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है। तो ये रीजन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसका यहां पर यूज करके कम से कम ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों को क्या करना है, जीरो एमिशन की तरफ को बढ़ना है। ओके, तो केरला गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है यहां पर इस एरिया में बढ़ने के लिए, तो थोड़ा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। थोड़ा जान लेते हैं क्रिकेट के बारे में, बात की जा रही है ब्लाइंड क्रिकेट ना कि नॉर्मल क्रिकेट, जो थोड़ा कम दिखने वाले या फिर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, अगर कोई पर्सन जिसको बहुत कम दिखता है तो उस तरीके से जब यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है तो ब्लाइंड क्रिकेट यहाँ पर नजर आता है या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखता है, तो उसके लिए बात की जा रही है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इसको कंडक्ट कौन कराता है, तो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल WBCC ये इसको कंडक्ट कराती है। ओके, अब तक का 5 बार ये कराया जा चुका है, स्टार्ट कब किया था 1998 में, ठीक है, तो 1998 में स्टार्ट किया था। अब तक आप लोगों को देखने को मिलेगा कितनी बार हो चुका है, ये 5 बार हो चुका है, 1998, 2002, 2006 और आप लोगों को देखने को मिलेगा 2018 में अभी और 2012 यहां पर देख ही सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये अब तक हो चुका है। ओके, इसके बारे में अगर थोड़ा जिक्र किया जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया में कितनी बार हो चुका है, इंडिया में ये हो चुका है यहाँ पर न्यू दिल्ली में ये देखने को मिलेगा, चेन्नई में ये देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बार, फिर से यहाँ पर आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा और यहाँ पर बैंगलोर में ये हो चुका है, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अभी प्रेजेंट की बात की जा रही है 2018 की, 2018 में जो पाकिस्तान को हम लोगों ने डिफीट किया है फाइनल में ब्लाइंड वर्ल्ड कप में, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग याद रखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी लेटेस्ट ही न्यूज है। और खासकर जब बात आती है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने में एग्जामिनर कभी भी पीछे नहीं हटता है। ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा कंडक्ट किया जा सकता है, कितनी बार अब तक हो चुका है और अभी लेटेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, तो 3 क्वेश्चन यहां से निकल के आप लोगों के आ सकते हैं, तो तीनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर गेम है, काफी डिफरेंट है, आप लोगों ने नाम भी शायद नहीं सुना होगा, कुछ ने कुछ स्टूडेंट्स ने सुना होगा, ये इस गेम से रिलेटेड है। गेम का नाम आप लोगों को बताता हूं, पहले इनका नाम सुनिए आप लोग, ये है अंचल ठाकुर, ठीक है, अंचल ठाकुर है और गेम का नाम है स्किंग। स्किंग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, आप लोगों ये गेम आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, कई बार टीवी में देखा होगा, कई बार मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो यहां पर इस तरीके का गेम है, ये खेला जाता है, तो ये गेम इस गेम से रिलेटेड है, यहां पर गेम का नाम है स्किंग, ठीक है, अंचल ठाकुर हमारी कंट्री की है ये, तो ये इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया 2018 में, फर्स्ट इंडियन स्कीर एवर टू क्लेम द मेडल इंटरनेशनल स्कीइंग इवेंट, तो इनको अभी इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट में इनको मेडल मिला है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज कराया जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी स्की, ठीक है, और इनके फादर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सेक्रेटरी जनरल थे। आप लोगों को नॉर्मल अगर कोई इंसान इस तरीके डिफरेंट फील्ड में कोई निकल के आता है तो कोई ना कोई बैकग्राउंड आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री देखने को जरूर मिलेगी, तो इनके फादर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो विंटर्स जो गेम्स होते हैं उसमें यहाँ पर सेक्रेटरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनका थोड़े बारे में आप लोग याद रखते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे इनका बर्थ प्लेस कहाँ से, हिमाचल से बिलोंग करती है, और अगर कोई इस तरह का गेम हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में रहता ही है, जिस तरीके से हिमाचल में आप लोगों को देखने को मिला बर्फबारी वहां पर पड़ती है, तो इस तरह का गेम हाके ही इन्वायरमेंट से निकल कर आ सकता है। नॉर्मली आप लोग देखेंगे कोई भी अगर इक्वेटर के पास वाला एरिया है वहां से इस तरह का प्लेयर निकल के नहीं आएगा, तो इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो थोड़ा इनके बाद में इनके बारे में याद रखिएगा। अंचल ठाकुर है, स्कीइंग यहां पर गेम इनका नाम याद रख सकते हैं, और अभी इन्होंने मेडल जीता है यहां पर 2018 में, ठीक है ना, और ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ओके, तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में, आइए अब आगे चलते हैं। कई बार बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये किताब आप लोग याद रखते हैं, यहां पर नाम दिया गया है संजय मांजरेकर, इनका नाम है यहां पर, इनके द्वारा ऑटोबायोग्राफी है यहां पर, इसका नाम है इम्परफेक्ट, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इम्परफेक्ट यहां पर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और ये क्या है, एक क्रिकेटर थे और बाद में एक कमेंटेटर बन गए, तो इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती हैं, तो ये ऑटोबायोग्राफी देखने को मिलेगी यहां पर, क्या क्या इन्होंने अपनी लाइफ में एनालाइज किया, जो इनका करियर है क्रिकेट से रिलेटेड उसके बारे में यहां पर बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्रिकेटर है, कमेंटेटर है, और इसके अलावा इनकी ऑटोबायोग्राफी है, पूछा जाए तो आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए यहां पर एक क्वेश्चन है, अच्छा ये बताइए कि सचिन की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी आप लोग पता है गुड ऑफ द क्रिकेट बोला जाता है उनको, तो आप लोग थोड़ा उनके बारे में बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री है मॉरिशस, इस कंट्री के बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। तो आखिर इंपॉर्टेंट क्यों बोला, कुछ रीजन होगा पीछे, जी हाँ बिल्कुल रीजन है, आप लोगों को देखने को मिलेगा जब FDI की बात आती है हमारी कंट्री में, तो मॉरिशस यहां पर हाईएस्ट FDI पे करता हुआ हमारी कंट्री को नजर आता है।
और इंटरेस्टिंग फैक्ट एक यहाँ पर यह है, आज की डेट में जो हाईएस्ट एफडीआई यहाँ पर मॉरिशस से आ रही है, इससे पहले सिंगापुर से आया करती थी, तो सिंगापुर को रिप्लेस करके आज की डेट में मॉरिशस यहाँ पर टॉप पर चल रहा है हमारी कंट्री में। मैप वाइज जो लोकेशन देख सकते हैं, मेडागास्कर आइलैंड हो गया यहाँ पर, ये मॉरिशस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इंडिया के कंपेयर में निहार सकते हैं, हो गया हमारा प्यारा इंडिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ पर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में पड़ती है, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री हो गया, इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री आप लोग इसको बोल सकते हैं। बीच लेगून यहाँ पर रेफरी आप लोग को देखने को मिलेगा जो पाए जाते हैं, ठीक है, जो रीफ वगैरह होते हैं। ओके, रीफ हो गया, लेगून हो गया, बीचेस हो गया। इसके अलावा आप लोग कैपिटल पता होना चाहिए, पोर्ट लुइस कैपिटल हो गया। और देखिए कैपिटल कई बार पूछ ली जाती है, अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी करें तो आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन देखे होंगे जो यहाँ पर कैपिटल वगैरह से आते हैं। करेंसी की बात करें तो करेंसी होगी इसकी मॉरिटानिया रूपी, तो करेंसी भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। मैक्सिमम अगर बात करेंगे यूपीएससी की तो वहां पर क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सी ऐसी कंट्री है सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आती है। कैपिटल करेंसी वगैरह यूपीएससी में नहीं पूछी जाती है, पर दूसरे एग्जाम से पूछी जाती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए शाम को हमारी पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पर डेली शाम को लेक्चर आता है 5 बजे, कल भी आप लोगों को देखने को मिला है, स्टैंडिंग कमेटी हम लोगों ने सारी कवर की है। आज शाम को आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा एडहॉक कमेटी क्या होती है। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटी होती है, एडहॉक कमेटी परमानेंट कमेटी नहीं होती है, वो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई जाती है। डिटेल में लेक्चर शाम को आपको 5 बजे आज देखने को मिलेगा। हमारा रिवीजन भी चल रहा है साथ साथ में पॉलिटी का, तो लेक्चर नंबर 82 है यहाँ पर, प्रधानता की तालिका। तो जो तालिका होती है जिसमें सबसे ऊपर कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है, उसके नीचे कौन आता है, उसके नीचे कौन आता है, इस तरीके से पूरी तालिका के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। आप लोगों से कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको भी जाकर निहारिएगा, कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। लेक्चर का लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे भी मिल जाएंगे, आप लोग जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं आज का योजना का पार्ट। हमारा योजना के पार्ट हमारा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हमारा चल रहा है जीएसटी, तो जीएसटी के प्रोविजन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। जीएसटी में जो इंप्लीमेंट किया गया एंटी प्रोफिटरिंग जो क्लोज डाली गई थी यहाँ पर, इसका क्या मतलब था, ठीक है, इसको किस तरीके से सेंस मेक कर रही थी यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा अभी, अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए नॉर्मली जीएसटी आप लोगों को देखने को मिला, हमारी कंट्री में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, तो जीएसटी में क्या आया, जो इनडायरेक्ट टैक्स थे बहुत सारे, उनको इकट्ठा करके एक जगह मिला दिया गया। हम लोगों ने देखा कई सारी चीजें फिर भी बाहर हैं, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे शराब वगैरह हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, या फिर आप लोग देख सकते हैं इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बिल्डर जो बिल्डर्स होते हैं, तो ये जो वाली इंडस्ट्री है सारी, ये अब तक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी बाहर है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहां पर जो कमाती है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट, वो चीजें अब तक भी बाहर है। पर लेकिन जहां जहां पर जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया है, ये एंटी प्रॉफिटरिंग जो अथॉरिटी है ये उसके लिए बनाई गई है, ये क्लोज उसके लिए डाली गई है। मतलब क्या था, मतलब ये था, मान लीजिए कल को हम लोगों ने यहां पर 0 से 28 के बीच में कुछ टैक्स लगाए हैं, ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिस पर टैक्स यहां पर घट गया होगा। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर बिस्किट लाए, बिस्किट पहले आया करता था मान लीजिए 20 रुपए का एक पैकेट आया करता था, आज के डेट में वो 20 रुपए का पैकेट जीएसटी लगने के बाद में 16 रुपए का हो गया है। और ये 20 रुपए का पैकेट अगर आप लोग दुकान से जाकर लेंगे, तो ये मान लीजिए वो दुकानदार क्या कर रहा है, उसको 20 रुपए का ही बेच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो कस्टमर तक जो है यहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो उसी को कस्टमर तक प्रॉफिट वहां पर ट्रांसफर किया जा सके। चाहे चीनी की बात कर लीजिए, चाहे बिस्किट की बात कर लीजिए, चाहे दूध की बात कर लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर है तो कस्टमर तक अगर को ऊपर से कोई प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो नीचे तक उसको प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाए, तो उसके बारे में यहां पर बात की जाती है एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज के द्वारा। ये क्लोज इसीलिए डाली गई थी कि प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है तो उसको नीचे तक पहुंचाएं, मतलब प्रॉफिट को रोक या नहीं, प्रॉफिट को आगे तक फॉरवर्ड कर दीजिए। तो जिस टाइम पर यहां पर जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था, उस टाइम पर ये बातें आई कि कहीं ना कहीं दुकानदार हो सकता है नीचे तक ये चीजें ना पहुंचाए, तो उस टाइम पर बोला गया कि एक अथॉरिटी बनाते हैं जो कि इन सब चीजों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है निकलकर इंप्लीमेंट करने में, उन सब पर यहां पर ध्यान रख सके। और यही पॉलिसी मेकर का बिगेस्ट कंसर्न रहता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलिसी तो बन जाती है पर पॉलिसी ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती है, जिसको प्रॉफिट पहुंचाना है उस तक प्रॉफिट नहीं पहुंचाया जाता है, तो उसी के लिए आप लोगों के सामने ये अथॉरिटी यहां पर नजर आई, जिसके तहत यहां पर देखा गया अगर कोई भी प्रॉफिट यहां पर नीचे लेवल पर तक पहुंचाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो वो जनता तक पहुंचे, जनता जनार्दन उसको एंजॉय कर सके, उसी के लिए यहां पर ये नजर आई एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए, जीएसटी के तहत इसको इंप्लीमेंट किया गया था। हालांकि काफी क्रिटिसिज्म भी इसका होता है कि कहने के लिए है कि बना दी गई है, पर लेकिन कहां तक आप लोग देख पाएंगे, किसी गली के किसी नुक्कड़ के किसी चौराहे पर एक किराने की दुकान है, क्या आपको पता है कि वो कितनी नीचे तक लोगों का प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे पा रहा है? तो कहने के लिए है, पर लेकिन एक्चुअल में इंप्लीमेंट इसको देखने को मिलेगा कि उतना इंपैक्ट नहीं डालेगी, पर फिर भी अगर कल को कोई केस आता है तो कम से कम कुछ मैकेनिज्म होनी चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से टैकल करके चलेंगे, कम से कम इतना कंसर्न यहां पर होना चाहिए और इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उसी के लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का यहां पर गठन किया गया,
जिसके तहत इंश्योर किया जाए कि जो बेनिफिट हो रहा है वो कस्टमर तक पहुंचाया जाए। तो थोड़ा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। चीटिंग जो ट्रेडर करता है कोई भी किसी भी तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए यूज करना चाहता है तो उसको रोका जा सके, तो इसलिए यहां पर ये पिक्चर में आई। तो थोड़ा इसके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंने आप लोगों से कल क्या क्या क्वेश्चन पूछे, आज आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ही है जो हमने अभी डिस्कस भी किया था रिसेंट में, आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कहां पर बनाया जा रहा है थोड़ा डिटेल में बताइएगा। नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर कल्चर फेस्टिवल इंडिया बाय द नाइल कहां पर है, कौन सी कंट्री के द्वारा। हालांकि नाइल रिवर का नाम सुनते ही आप लोग पहचान गए होंगे, फिर भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कश्मीर वैली लोकेटेड है किस किस रेंज के बीच में, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में, तो किसके द्वारा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोड्यूस की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। पांच एरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं जिनको यहां पर काउंट किया जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम यहां पर हो रही है। तो पांच एरिया कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा इकोनॉमी आती है, दूसरे नंबर पे आप लोग एनवायरमेंट देख सकते हैं, तीसरे नंबर पे जियोपॉलिटिक्स होगी, चौथे नंबर पे सोसाइटी होगी और पांचवें नंबर पे टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है ना। तो जीएसटी ईईजीएसटी आप लोग बोल सकते हैं इसको, ये टोटल एक्रोनिम भी आप लोग बना सकते हैं अगर आप लोगों से कोई पूछे। तो इनमें देखा जाता है रिस्क काउंट किया जाता है किस किस एरिया में क्या क्या रिस्क है, उसके बेस पर यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की जाती है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टैग इन्फ्लेशन के बारे में, इकोनॉमी की टर्म है आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइस राइज होना, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा हो कई बार दाल के प्राइस बढ़ जाते हैं, कई बार आप लोगों को ऑनियन के प्राइस नजर आते हैं बढ़ते हुए, मतलब प्याज के प्राइस बढ़ गए हैं, नमक के प्राइस बढ़ गए थे जब जीएसटी के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला। तो स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब है जब प्राइस तो बढ़ रहे हैं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, मतलब इतना एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जब सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में होती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी का वो घटता हुआ नजर आएगा इस टाइम पर, तो उस सिचुएशन को यहाँ पर स्टैग इन्फ्लेशन बोला जाता है, मतलब चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं पर इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, तो उस टाइम पर आप लोगों को इस तरीके की सिचुएशन सामने निकल कर आएगी, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है यहां पर शो कर रही है कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करे, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आप लोगों को देखने को मिलता है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इन्फ्यूज करती रहती है मनी ताकि यहां पर ग्रोथ बनी रहे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपने बिहाफ में जिससे कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी एक ग्रोथ ट्रैक पर रहे। तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर काम करते हैं और साथ में पैरेलल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिलती है, तो प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे हैं जो कि काम करते हैं। तो जहां पर गवर्नमेंट रोल प्ले करती है प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ में, तो वहां पर आप लोगों को मिक्स इकोनॉमी देखने को मिलती है। अगर नॉर्मली बोला जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड आज के डेट में आप लोगों को मिक्स इकोनॉमी नजर आएगी, पर हम लोग फोकस देकर चल रहे हैं इंडिया के ऊपर नॉर्मली, ठीक है। तो इंडिया की मिक्स इकोनॉमी यहां पर जिक्र किया जा रहा है, तो यहां पर देखने को मिलेगा ओकेजनली यहां पर इन्फ्यूज किया जाता है बहुत सारी मनी गवर्नमेंट के द्वारा और जिससे कि यहां पर ग्रोथ बना रहे, जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है आपकी आज की डेट में हमारी कंट्री में ग्रोथ जो है वो काफी घटता हुआ जा रहा है। तो हर एक आर्टिकल में जो राइटर लिखता है वो ये बोलता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मनी इन्फ्यूज करनी चाहिए सिस्टम में, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में एक अच्छे लेवल का आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री में अच्छे लेवल पर यहां पर ग्रोथ निकल कर आए, क्योंकि अगर ग्रोथ बढ़ेगा तो हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर से इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो डिमांड सप्लाई सारी चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो सब चीजों की एक साइकिल चलनी नजर आ जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आंसर हो गया यहां पर सही। तो ये आप लोग कल के क्वेश्चन थे, नीचे जरूर बताइएगा आप लोगों कितने आंसर यहां पर सही कर पाए। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं ना काफी शानदार क्वेश्चन है यार, मतलब मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहां पर, कई सारी चीजें ऐसी होती है कि मैं भी मतलब इतना टाइम नहीं निकल पाता हूं सारी चीजें देखें, तो मुझे भी जब आप लोगों के आंसर पढ़ता हूं ना तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। आप भी एक दूसरे के आंसर पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, रियली बोल रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे शानदार शानदार क्वेश्चन नीचे पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग मतलब सरप्राइज हो जाएंगे कि पूरा क्वेश्चन बैक आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जा रहा है। तो हर एक वीडियो के नीचे आप लोग ये जाकर चीजें जरूर देखा कीजिए कौन कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है, और एक दूसरे से क्वेश्चन जरूर पूछे और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक ऐसा एनवायरमेंट बना के रखिए, ओके। आइए अब देख लेते हैं हम लोगों ने एक बार क्या क्या डिस्कस किया, यहां पर एक बार नजर मार लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, टोटल डिटेल में देखा, कई सारी हिस्ट्री की टर्म्स भी हम लोगों ने यहाँ पर जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ये एक्साइज के बारे में जो कि इंडिया के बारे में है और एक आइलैंड कंट्री है सिसिलीज, इसके बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो लिमते यहाँ पर ये फ्रेंडशिप एक्साइज है जिसमें आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिली। इसके अलावा हम लोगों ने इसको लोकेशन भी निहारा। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर देखने को मिला इंडिया साइज के बारे में हम लोगों ने जाना, और कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा याद रखिएगा कितनी एज है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी कंट्री अब तक कर चुकी है,
ये पूछी जा सकती हैं। स्कीम हम लोगों ने जानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में। क्वेश्चन बन सकता है दोनों के बारे में, कितने एनम है, 12 रुपए पर एनम है, 330 रुपए पर एनम है, दोनों का इंश्योरेंस कितना है, ये 2 लाख का ही है, इक्वल है, एज कितनी है, क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के बारे में जाना, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, और भी कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर मॉरिशस के बारे में जानने को मिला, किस तरीके से हमारी कंट्री में आज के सबसे ज्यादा हाईएस्ट एफडीआई देखने को मिलती है, ठीक है, रिप्लेस कर चुका है सिंगापुर को, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में, 5 बार आज तक किया जा चुका है, किसके द्वारा होता है, वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना अंचल ठाकुर के बारे में और इनके गेम के बारे में, तो थोड़ा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, अभी इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये गेम भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना संजय मांजरेकर के बारे में, इनकी ऑटोबायोग्राफी अभी निकल कर आई है, जिसको बोला गया है इम्परफेक्ट, थोड़ा याद रख सकते हैं, कई बार बुक्स वगैरह पूछ ली जाती हैं इस तरीके की अगर कोई न्यूज़ में रहती है तो, ओके। इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर देखा, मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन को ये रिवीजन करने के लिए पॉलिटिकल है, आप लोगों को जाकर रिवाइज जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हमने जहां पर अपना डिस्कस किया, हम लोगों ने योजना के तहत एंटी प्रोफिटरिंग जो ये एजेंसी बनाई गई यहाँ पर जीएसटी के तहत, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना, और इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भी था। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन जो कल पूछे थे उनका आंसर आप लोगों के सामने है। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए, और भी कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और पानी को भी सेव कीजिए, और पॉलिथीन या प्लास्टिक कम से कम यूज कीजिए, या फिर बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, और किसी को पढ़ा दिया कीजिए अगर जरा सा भी टाइम मिलता है, काफी सोसाइटी में फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।